हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। हमारे यहाँ पर आए हुए सभी आगंतुक मेहमानों का और हमारे दर्शकगणों का और हमारे मीडिया के बंधुओं का सबको आज मकर संक्रांति यानी सूर्य भगवान आज दक्षिणायन से उत्तरायण, कहने का तात्पर्य कि अंधकार से प्रकाश की ओर। और इसके लिए सभी लोगों को हमारी तरफ से मंगल शुभकामना कि ईश्वर सबका शुभ करे, कल्याण करे, मंगल करे। सबको धन्यवाद। सबसे पहले तो शुभकामनाएं, आज बहुत अच्छा दिन है हम सबके लिए और एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी फिल्म से होने जा रही है। और मेरे मित्र हैं सुजेल खान साहब, जिनकी तरफ से ये एक ऑफर आया, और अविनाश है, मेरे पुराने मित्र हैं, आप हमारे पुराने मित्र हैं। अमिताभ जी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे हम सभी लोग एक ही परिवार के हैं। और अच्छे दिन शुरुआत होने जा रही है, इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, फिल्म के बारे में हाँ, फिल्म मैं अभी ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक बहुत अच्छी कहानी है और इसमें मैं एक पंडित का रोल कर रहा हूँ, जो कि कई तरह के इसमें वेरिएशन है पंडित के जैसा होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। अभी इतना ही कहूँगा फिलहाल, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी और फिल्म आएगी तो आप सभी देखेंगे। अविनाश के बारे में ये कहूँगा कि मेरे सबसे पहली बात तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम जब मुंबई में आए थे तो हमारी और अविनाश की मित्रता हुई। हम लोग पहले हिंदी में भी कुछ थिएटर करते थे, उसके बाद करते करते काफ़ी सारी हिंदी फिल्में और सीरियल करते करते यहाँ पहुँचे और आज मुलाकात हुई। मतलब बहुत समय के बाद, कई सालों के बाद आज मैं कहूँगा कि पहला मौका ऐसा है कि हम और अविनाश एक साथ काम करने जा रहे हैं, वो भी अमिताभ जी के डायरेक्शन में, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, टाइटल पे कुछ कहेंगे? हाँ, टाइटल आपने देखा, किस तरह का? हाँ बंधुओं, मैं जयप्रकाश सिंह, आज अमिताभ कुमार जी ने जो ये आज मुहूर्त किया है दिल ले गए लोढ़निया वाली, तो इसके स्क्रिप्ट के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अमिताभ जी के बारे में मुझे पूरी तरह से पता है, क्योंकि इसके पहले जो फिल्म बनी थी देवर बिना अंगना ना शोभे राजा, उसमें मैं एक मुखिया के करेक्टर में कास्ट हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आ गई कि हीरोइन का फादर और मुखिया जी का दोनों करेक्टर मुझे निभाना पड़ा। तो अमिताभ जी बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर हैं और साथ में इसमें जो अविनाश शाही हीरो है उस फिल्म में भी अविनाश जी ही हीरो थे, और इसके पहले अविनाश जी के साथ हमने एक फिल्म और किया था। जितना विनम्र और जितना सुलझा हुआ और जितना मधुर व्यवहार अविनाश का है और उम्दा कलाकार है, इसके लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अमिताभ जी को और अविनाश शाही को वो शक्ति सामर्थ्य दें जिससे फिल्म अच्छी बने और अच्छी कामयाबी दे। भोजपुरी के सब दर्शकगण लोग के, आपके चहेता अभिनेता अविनाश शाही के प्रणाम बा। आज हमारे फिल्म दिल्ले को लौड़ने वाले के शुभ मुहूर्त बा, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हैप्पी मकर संक्रांति। ये फिल्म के डायरेक्टर अमिताभ कुमार जी हैं और प्रोड्यूसर हैं मीना एच कनौजिया जी। दीपक भोजपुरिया, इंडस्ट्रीज़ का एक दायरा होता है, डिफरेंट टाइम आता है फिल्म का, कभी फैमिली ड्रामा बनती थी, उसके बाद इमोशन आया, एक्शन आया, एक्शन के बाद थोड़ा सा बीच में हमारी जो कल्चर है कल्चर से हट के फिल्में बनने लगी, जिसको अब हमारे दर्शक जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। अभी जितनी फिल्में बन रही हैं हमारी भोजपुरी में, शायद मेरे ख्याल से मैं तो जितनी फिल्में किया हूँ फैमिली ड्रामा ही किया हूँ, ज़्यादातर साफ़ सुथरी फैमिली ड्रामा किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो जितनी फिल्में आज के डेट में बन रही है, बड़ी खुशी की बात है कि सब फैमिली ड्रामा कल्चर से जुड़ी हुई बन रही है। पहले जो वल्गरिटी थी वो ख़त्म हो गई और होना ही चाहिए, समाज से सारी चीज़ें खत्म हो तो अच्छा है, बुराई को दूर भगाओ, अच्छाई को लाओ। उस अच्छाई बेस पे हमारी फिल्म है, पूरी फैमिली ड्रामा है,
फैमिली से रीति रिवाज से जुड़ी हुई कहानी है। तो कुछ मतलब कोई स्टार के बारे में बताइए, अपने यहाँ पे कोई स्टार इस फिल्म में क्या कर रही हैं? ये निहारिका जी हैं और अभी मैंने इलाहाबाद में एक फिल्म किया था उसमें थी, ये बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। और इस फिल्म में एक इनोसेंट फेस चाहिए था जो कि बड़े मासूम, तो फिर इनको कास्ट किया गया और अच्छी एक्ट्रेस हैं, डांसर भी अच्छी हैं। और इस फिल्म में इनका किरदार कमाल का है, पूरी फिल्म की स्टोरी लड़की के ऊपर है। पोस्टर में अविनाश जी साइकिल चला रहे हैं, मुंह में गुलाब का फूल है, इनको देंगे किसी और देंगे? ऑब्वियसली इनको देंगे, गुलाब के फूल मुंह में लेकर घूम रहे थे, किसी के लिए घूम रहा है ना, पूरे के लिए थोड़ी घूम रहा है। काफ़ी इमोशनल ये है मूवी है एंड काफ़ी फैमिली ड्रामाज है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। तो मतलब ये फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये फैमिली के लिए ही बनाया जा रहा है ये फिल्म और काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। अविनाश भाई कितना तंग करते हैं आपको जब फिल्म में अभिनय करते हैं? बहुत परेशान करते हैं, मैंने इनके साथ अभी एक फिल्म किया था, दिल परेशान किया था। आपको नहीं लगता है कि ये परेशान कर रहे थे, पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करना था? नहीं, उस टाइप का परेशान नहीं करते, ये अच्छे टाइप के परेशान करते हैं। पत्रकारों का मुद्दा चाहिए एफआईआर का। पहले मैं भोजपुरी के सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आज मकर संक्रांति है तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे मीडिया के सभी मेंबर को भी शुभकामनाएं। दिल ले गई ओढ़निया वाली किस तरह की फिल्म है और कब शूट की जाएगी? दिल ले गई ओढ़निया वाली टाइटल ही बता रहा है कि फिल्म एक साफ सुथरी है, क्योंकि जो ओढ़नी और दुपट्टा का नाम आता है वो हमारे यूपी बिहार से ही है और वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही मासूम होती हैं और लड़के भी। जाहिर सी बात है जब हमारे अविनाश जी जैसे चॉकलेटी हीरो हैं तो कुछ अच्छी लव स्टोरी होगी और हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए कुछ नया लाएं। फिल्म में निहारिका जी भी साथ में आपके अभिनय कर रही हैं, कैसा इनके काम रहा है? निहारिका जी के बारे में क्या बोलूं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और कमाल की अभिनेत्री हैं, अच्छा काम करती हैं और शायद इसीलिए हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। फिल्म के स्टार का बात किया तो और दोनों के अलावा कौन से कलाकार हैं? हमारे फिल्म में अविनाश जी के अलावा और निहारिका जी के अलावा बहुत सारे हैं, जैसे हमारे इमरान सुजैल खान हैं जो आगरा से हैं, हिंदी से हैं, और राजा कापसे जी हैं, संजीव शर्मा जी हैं और हमारे जयप्रकाश जी हैं जो हमारे साथ पहली फिल्म कर चुके हैं देवर बिनांगने नासुबे राजा, और इसमें विनय बिहारी और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमसे प्यार करते हैं। अमिताभ जी मनोरंजन के लिए गाने वाने कितने हैं? और जाहिर सी बात है भोजपुरी है तो 7-8 गाने तो होते ही हैं, लेकिन हमारी फिल्में मनोरंजन तो करती है लेकिन साफ सुथरी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी मूवी बनाई है फैमिली से रिलेटेड आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, मैंने हमेशा अच्छी मूवी बनाई है। साफ सुथरी बनाई है ताकि पूरी फैमिली के साथ लोग देख सके, हमारी भी फैमिली वो भी देखती है। एक्शन तो इसमें ना के बराबर है क्योंकि हमारे फिल्म में विलन है ही नहीं, तो इसमें विलन जो है उसको एक तरफ से आप कह सकते हो जो प्यार है वही विलन है, क्योंकि क्या स्टोरी मतलब विलन कोई है ही नहीं इस मूवी में। स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फिल्म आने से पहले लोग उसके स्टोरी के बारे में जाने, बस ये है कि हमारे हीरो हीरोइन जो हैं एक बार शुरू में मिलते हैं और एक बार लास्ट में, अब इनकी जुदाई और इनका मिलन। दर्शकों को कब तक देखने को मिल जाएगी? हम लोग बहुत जल्दी शेड्यूल बनाने वाले हैं और यहाँ से शूट की तैयारी चल रही है। बाकी मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने मेरी सारी फिल्मों को प्यार दिया है ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें, और ख़ास करके मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रोड्यूसर को MMK फिल्म्स प्रोडक्शन और हमारे मीना एस कनौजिया और दीपक भोजपुरिया को, जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी कि आप लोगों के लिए एक अच्छी फिल्म बना सकूँ। मेरी पहली फिल्म है अखिया जब से लड़ा, और मैं सिवान बिहार से रहने वाला हूँ और वही फिल्म मुझे लेकर के बॉम्बे आई। मैं कभी सोचता नहीं था मैं बॉम्बे आऊँ, लेकिन आज मैं मेरे लिए बॉम्बे ही सब कुछ है। और तो अभी तक कितने फिल्में बना चुके हैं?
दिल्ली गई उड़निया वाली ये मेरी 12वीं मूवी होगी। और इस, बाकी इससे पहले आपने काम किया? इसके पहले अविनाश जी के साथ ही मैंने देवर बीना किया था, और बाकी नए स्टार कास्ट के साथ मैंने बहुत सारे किया। प्रिया शर्मा हैं, आनंद बाबा हैं, और मोनालिसा जैसे कलाकार सब लोग मेरे साथ दिए, और उनके साथ अच्छा काम रहा। निहारिका जी, अमिताभ जी पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनसे अभी तक एक ही बार मिली हूँ, बट एक बार भी एक फैमिली जैसा एक फील आया। पिक्चर कंप्लीट हो गई, एक ही बार मत मिली। अब तो पहली बार मिले हैं ना, अब तो मिलते रहेंगे ना। आशीर्वाद है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे इंसान है, एंड इनका नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक फैमिली वाला एक माहौल बनता है तो अच्छा लगता है आपको काम करने में, तो यस। दर्शकों से कुछ कहेंगे अपने बारे में, आपकी फिल्म आ रही है? बस ये कहना चाहती हूँ कि यस, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ, एंड हम सब बहुत मेहनत करते हैं, एंड बस यही ऑडियंस को पसंद आए और हमें ढेर सारा आशीर्वाद मिले। भोजपुरी में किसी हीरोइन की प्रेरणा लेती हैं, किसे सीखती हैं कुछ? सब प्रेरणा ही है जो हमसे सीनियर है, भोजपुरी हो, हिंदी हो या तमिल, तेलुगु, जो भी हो, जिसका वर्क अच्छा है हम कुछ ना कुछ उससे चुराते सीखते ही नहीं, मैं बताता हूँ ये इनका चुराने का मतलब ये नहीं था कि चुराते हैं, बस ये लोगों का दिल चुराते हैं, और सीखना तो हमें अपने ही कामों से, लोगों के कामों से है। अमिताभ जी, और किसी सेलिब्रिटी साथ काम करने की इच्छा? देखिए, एक कलाकार, मैं कलाकार हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं सबके साथ काम करूँ। मेरे लिए अविनाश जी भी उतने ही बड़े कलाकार हैं जितने बड़े कलाकार हैं। नाम ले लीजिए, जैसे पवन जी हैं, दिनेश जी हैं, खेसारी जी हैं, और भी जितने लोग हैं, तो मैं जैसे मेरे लिए वो है वैसे मेरे लिए अविनाश जी हैं, क्योंकि मैं कभी छोटा बड़ा नहीं समझता, मेरे लिए फिल्म फिल्म होती है। चाहता है किसी के साथ काम करें, एक्सपीरियंस ले, और जरूरी भी है। मैं ऐसा 6-7 मूवी कर चुका हूँ, जिसमें दोस्त यार में, किसी में दोस्त यार में ज़्यादा करके किया हूँ। ये मेरी फर्स्ट मूवी है जो भैया के साथ मैं 3 मूवी कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को एक फिल्म का टाइटल एक अच्छा लगा, फिल्म का टाइटल अच्छा लगा, मैं बोला भैया मैं करता हूँ, मेरे जितना होएगा। भैया बोले ठीक है करो। डायरेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, फर्स्ट बार में स्टोरी मेरे को सुनाए, बोला मैं करने का तैयार हूँ, उसी दिन मेरा हुआ। शूटिंग आज ही का दिन हम लोग रखने वाले थे, लेकिन लोकेशन फाइनल की वजह से नहीं हो पाया, इसके वजह मुहूर्त हम इधर रखें। और कौन कौन से कलाकारों का अपना फाइनल किया है? जितने जन भैया बताए उतने जन, और मैं अभी ज़्यादा जन से मैं मिला नहीं, फर्स्ट टाइम में मैं लाइव मैच पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। अविनाश साई से मैं 2 साल से मिला हूँ। अच्छा। भाई से, मेरा भाई से ऐसा रिलेक्शन है, भाई से भी हद से ज़्यादा है। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये भाई से बहुत कुछ मेरे को सीखने मिला, आज जो इस मुकाम पे पहुँचा बस भाई का मेहनत है। अमिताभ जी फिल्म के डायरेक्टर, उनके बारे में कुछ कहेंगे? उनके बारे में भैया के साथ डायरेक्टर कर तभी मैं पिक्चर कर पा रहा हूँ ना। अच्छा, फिल्म का हीरोइन पसंद है आपको? अभी क्यों नहीं पसंद रहेगा। गाना भैया, गाना अच्छा है, पूरी पारिवारिक फिल्म है, क्योंकि हम भी थिएटर में जाते देखने, क्योंकि हमारे साथ में कोई माँ बहन नहीं थी, पूरा टाइटल पूरा अच्छा है, सब अच्छा है। विनय बिहारी जी का है, तो ऑब्वियसली एक सामाजिक और बढ़िया बेहतरी होगी, उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत सारा चीज़ दिया, भोजपुरी इंडस्ट्री दिया है विनय जी ने। राज भैया, आप क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ राज यादव, और आज दिल ले गए लोढ़निया वाले का मुहूर्त है, इसके हीरो अविनाश साही जी हैं, और इसके प्रोड्यूसर हैं मीना जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं दीपक भोजपुरिया जी, जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं, तो हमारी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अभी हम जस्ट हम लोगों ने एक फिल्म किया अभी रिलीज पे, मिलकर ना होंगे जुदा, बड़ा मजा आया साथ में। नहीं, हीरोइन काम कर रही है, जरूरत है बुला लेंगे। सबसे पहले यहाँ आए हुए सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। सारी बातें तो अविनाश जी, अमिताभ जी ने और सारे लोगों ने कर दी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मेरा पहला भोजपुरी मूवी है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसमें अविनाश जी के साथ काम कर रहा हूँ, अमिताभ जी के साथ, और काफ़ी भोजपुरी आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि मेरे लिए सब नया है। उम्मीद करूँगा कि मैं इन सब के जो मुझे भरोसा किया, विश्वास किया, उस पर खड़ा उतरूँ, और सब लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि ये फिल्म को अच्छा सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू। सुजल भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और सर भी, और ये लोग बेसिकली भोजपुरी पहली बार हमारी फिल्म कर रहे हैं, हिंदी से हैं, हिंदी में बहुत सारे सीरियल्स और फिल्म किए हैं। मैं टोटल हिंदी सीरियल जितने भी चल रहे हैं, योगदान है कि
ये इस इंडस्ट्री में आए और कुछ करें। तो किरदार क्या है आपका, अपने किरदार के बारे में सब बताने की इजाज़त है? सब फैमिली ड्रामा फिल्म है। इसमें इस फिल्म में किरदार क्या है? मामा फूफा मौसा चाचा चाची, जैसा कि आपने सुना कि पारिवारिक मूवी है और विलेन इसमें है नहीं, और हिंदी में सारे में विलेन ही करता हूँ, तो यहाँ मेरी जगह विलेन वाली नहीं है कुछ है, सब टोटली फैमिली ड्रामा। शुभकामनाएं बिल्कुल हैं, और इस फिल्म की पूरी यूनिट को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं इस फिल्म के लिए। बड़ी अच्छी फिल्म है। इस फिल्म से किस कैसे जुड़े हुए हैं अभिनय कर? इंसान है, काफी देर हमारी बातचीत हुई, तो अब बाकी सेट पे देखते हैं। थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।